हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं मुंचेश्वरनाथ मंदिर। ये शंकर जी का मंदिर है जो कि भौगा पार में है, जस्ट हाईवे NH 24 के जस्ट बगल से आता है भौगा पार गांव। वहीं पर हम लोग का आज NSS का यहां पर कैंप आया है, तो हम लोग कैंप में आए हैं और अंदर चलते हैं, मंदिर को दिखाते हैं। काफ़ी मतलब जागता कह सकते हैं, काफ़ी फेमस मंदिर है और यहाँ पर महाशिवरात्रि काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है, काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। तो इस समय तो कोई भीड़ नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए आगे अंदर चलते हैं और शिव जी से मिलाते हैं आप सभी को और दर्शन कराते हैं आप सभी को। ये रहे श्री बाबा मुंजेश्वरनाथ जी मंदिर का गेट और अंदर चलते हैं, आगे मंदिर है और यहाँ ये सब कुछ इस तरीके का है अंदर जाते ही। और एक नए मंदिर का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर मन रहा था जो शिवरात्रि का शुभकामनाएं दिया गया है। और मैं सब कुछ आप लोग को दिखा रहे हैं, पहले आपको मंदिर दिखाते हैं अभी कुछ देर के बाद। पहले आते हैं इधर, कुछ तालाब बना हुआ है, तो अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के लोग उधर हैं। और ये रहा तालाब, सुंदरीकरण काफी अच्छी की गई है। आइए थोड़ा पास चल के आप लोग को दिखाते हैं, बाकी सब मंदिर आप सबको बारीकी से दिखाएंगे। फिलहाल आप लोग ये देख लीजिए, ये है कि थोड़ा पानी में कचरा डाल दिए हैं लोग, तो गंदा हो गया और काफी मछलियां भी हैं। आइए पास चल के मछलियों को दिखाते हैं आपको। तो यहाँ कुछ पूजा है, ऐसे डालते हैं, अभी आएंगे सब खाने के लिए। एक हाथ में मेरा हेलमेट है। ये देखिए मछलियाँ कैसे खाने के लिए आ गई, सारी सारी भुजा को लाई था। रंग बिरंगी मछलियाँ, वहाँ पे लोग रहे NSS वाले लोंडे। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, मतलब कई भगवान लोग का, कई देवी देवताओं का यहाँ पर मंदिर है। ये दुर्गा माता का मंदिर है और ये श्री कालिका माता का मंदिर, और ये श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का, और हनुमान जी, और एक डॉगी है अंदर। बाकी ये रहा कई पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ भी हैं। सबसे बड़ा बरगद का पेड़ मंदिर के अंदर है ये वाला, और मंदिर यही रहा मेन मुंजेश्वरनाथ जी का। मैं जब आया था तो इससे पहले आ गया था, लेकिन फिर आप लोग को सोचा लाओ ब्लॉग बना लेते हैं और दिखाते हैं। तो ये रहे मुंजेश्वरनाथ बाबा। ये रहा पीछे का कुछ, यहाँ पर कढ़ाई वढ़ाई लोग चढ़ाते हैं, कथा वथा लोग सुनते हैं। वहाँ देखिए कथा कोई लोग सुना गया है। अब
तो हम बाहर चलते हैं और बाहर दिखाते हैं आपको। यही थे मंजेश्वरनाथ बाबा। ये देखो भाई। और भाई सब बढ़िया। अरे अभी तो आ रहे हैं, हम जस्ट आए हैं, ब्लॉग स्टार्ट किए। हाँ मित्र आ गए हैं जो आने वाले नहीं थे। काफी अच्छा लगा भाई जिनके, वो जा रहे हैं लोग दर्शन करने के लिए, वो रहे और हम भी चलते हैं थोड़ा उधर। अगर आप लोग मंजेश्वरनाथ मंदिर आते हैं तो कोई भी दिक्कत पार्किंग का या खाना बनाने का, कढ़ाई चढ़ाने का, पूजा पाठ का कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस इतना अधिक है कि कोई दिक्कत का सामना करना ही नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए पीछे कितना बड़ा बड़ा पार्किंग है, और मंदिर में मतलब प्रवेश करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कभी भी आइए, कैसे भी आइए, आप प्रवेश कर जाएंगे। और बात करें यहाँ पर, जैसे वो होते हैं ना पंडित लोग, कहते हैं अपने आप को पंडित हैं, तो वो लोग नहीं हैं, बढ़िया जो असली पंडित होते हैं वही लोग हैं। जिसे नहीं होते हैं जो पाखंडी वाले मिलेंगे आपको, अच्छा बांधने लगे, पैसा मांगने लगे, तिलक करने लगे, ये सब ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर होता है। आराम से आइए, इतना घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक चीज़ का व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगा, सब कुछ मिलता है। अभी सामने आपको दिखा रहे हैं, देखिए कोई श्रद्धा उर्दा है, लोग माने होने हैं तो यहाँ पर आए हैं और आराम से बैठे हैं गैस चूल्हा लेकर, और बनाएंगे प्रसाद उरसाद और अपना चढ़ाए बढ़ाएंगे बाबा को और फिर निकल जाएंगे। और बात करें यार आम जो इस वक्त मोरा है ना, मतलब मोर निकला है काफ़ी ज़्यादा इस साल, मतलब कोई भी पेड़ बाकी नहीं है, सब पेड़ मोर लग गया है। और अपनी धनु खड़ी रही है पहली वाली, श्री शनि भगवान का मंदिर है, शनि देव है यहाँ पर। और ये पेड़ रहा एक पीपल का, और यहाँ पर साईं बाबा हैं। तो बाहर बहुत गर्मी है तो हम चल रहे मंदिर के अंदर बैठेंगे, वहीं पर जितने लोग दोस्त हैं वहीं हैं, तो हम भी चलते वहीं बैठते हैं क्योंकि बाहर धूप ही है। बचाओ तो बताओ। माहौल बना दिए सब, माहौल बना दिए। भाई यहाँ पर काफी सारा फोटो शूट हुआ है तो इंस्टाग्राम पे आप लोग को मिलेगा आज, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो इतने लोग हैं साथ में, देखिए लो गए थे ये कुल्फी वाला कुल्की आइसक्रीम खाए हुए, तो आज हम खा रहे हैं यहाँ पर मंजेश्वरनाथ में। तो देखिए और कौन फ्लेवर नहीं रहा क्या इनमें दहिला के साथ श्री बल्ली झुक जाएगी नहीं क्या नाम भानु नाम भानु प्रताप नाम तो सुना है अरे यार बोलिए बोलिए ग्रुप में साला झुकेगा ना चला के छा जा सर पारिवारिक पृष्ठभूमि अधिकारी भी घर में है, हम वर्ग के लोग हैं, फिर भी एनएसएस ने हमें वो चीज सिखाया कि हम लोग जो पहला कैंप कर रहे थे नंदा नगर आती कुला घाट में, हम लोगों ने नालियों को साफ किया, घासों को साफ किया, झाड़ू सड़कों पर लगाया। इस कैंपस में हम लोग शिविर चल रहा था तब दिवसीय शिविर होता था। जय माता दी।
आप अचीर वाले हैं आज तो नहीं। समोसा भाई समोसा दिखाइए, बहुत सही समोसा देख लीजिए गाइस, लग रहा है समोसा देख लो गाइस, समोसा गौर से देख लो गाइस, कितने लोग हैं भाई देख लो समोसा देख लो लाइन लगा ले भैया यही लगा रहे भाई एक लाइन लग गया, लाइन लग चुका है यहाँ पर समोसा खाने के लिए, लाइन लग चुकी है समोसा नहीं जाने देंगे, कहाँ गया वो जल्दी अरे माँ तुम लोग सबके मिली सबके मिली। ये वो समोसा है जिसे हम पानी के लिए क्या क्या कर सकते हैं।